रामायण काल के अस्तित्व को साबित करते ये सबूत। दोस्तों आपका स्वागत है विश्व रहस्य यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम आपको दुनिया के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बहुत सी ऐसी कहानियाँ और किस्से सुनाते हैं जो आपको रोमांचित कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक विश्व रहस्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं रामायण काल के अस्तित्व से जुड़ी ये बातें। रामायण काल को लेकर सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। रामायण काल के बहुत सारे साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग इसे नकार देते हैं, वहीं कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं। दोस्तों इसे आस्था का नाम भी दिया जाता है, लेकिन समुद्र में नासा द्वारा खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यता को और अधिक पुष्ट कर देता है। रामायण को आज के जमाने में कई लोग शक की निगाह से देखते हैं। कई लोग हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास को झुठलाने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि आज का हिंदू युवा भी पौराणिक कथाओं को संदेह की दृष्टि से देखता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे सबूतों के बारे में जो कि साबित कर देंगे रामायण काल के अस्तित्व। सबसे पहले है दोस्तों रावण का महल। ऐसा कहा जाता है कि रावण के महल, जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ उनका निवास था, अब भी अवशेष मौजूद हैं। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे थे कि जब एक सेवक इतना शक्तिशाली है तो उसका स्वामी कितना ताकतवर होगा, और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो आधी लड़ाई यूं ही हार जाता है। श्रीलंका में आज भी रावण का महल पाया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद है सुग्रीव की गुफा। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने एक राक्षस को मारकर उसका शरीर एक योजन दूर फेंक दिया था, और हवा में उड़ते हुए राक्षस की रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई थी। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया था कि ये किसने किया। ऋषि ने क्रोध में आकर बाली को श्राप दिया था कि यदि वो कभी भी ऋषिमुख पर्वत के एक योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और ये बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को पता थी। इसी कारण जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित कर दिया तो वो इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों के साथ रहने लगा, और यही उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई। बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल गया। सुग्रीव की गुफा अभी भी मौजूद है, अशोक वाटिका। दोस्तों जैसा कि हम सब ने अशोक वाटिका के बारे में रामायण में पढ़ा है कि अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता को हरण करके बंधक बनाकर रखा था। ऐसा कहा जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता को रखा गया था, जिसे सेटा एलिया के नाम से जाना जाता है, और यहां सीता के नाम से एक मंदिर भी है। राम सेतु जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय ये सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था, और ये पुल करीब 18 मील यानी कि 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था राम सेतु। एक चक्रवात के कारण ये पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब नासा के उपग्रह द्वारा दिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम की दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था, और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कर कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता है। चार हवाई अड्डे जो रामायण कालीन भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, रावण के रामायण कालीन चार हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने। पिछले 9 वर्षों में ये कमेटी श्रीलंका का कोना कोना छान रही थी, और इसके तहत कई छोटी मोटी जानकारी और अवशेष भी मिलते रहे।
पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे भी पता लगे हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक कैंथ का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसान गोडा, गुरुलो पोथा, तोतु पोला कंदा तथा वरिया पोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। कैंथ ने बताया कि अब तक उनकी टीम ने लंका के 50 दुर्गम स्थानों की खोज की है और इससे पूर्व पंजाब के अशोक कैंथ सन 2004 में लंका में स्थित अशोक वाटिका खोजने के कारण सुर्खियों में आए थे। दोस्तों, रामायण अनुसंधान कमेटी जो श्रीलंका में है उसके मुख्य सदस्य हैं श्रीलंका के पर्यटन मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल क्लाइव सिलबम, ऑस्ट्रेलिया के हैरिक बॉक्सी, श्रीलंका के पीवाई सुदेशम, जर्मनी के उर्सला मुलर और इंग्लैंड के हिमी जायज। और अभी तक उन्होंने अशोक वाटिका, रावण के 4 हवाई अड्डे, विभीषण के महल आदि का पता लगाया है। ये स्थान व हवाई अड्डे वेद विज्ञानम मंडल पुणे के डॉक्टर वर्तक जी ने वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार वर्तमान स्थिति पर गहन शोध कर रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9336 वर्ष पूर्व का बताया है। इस विषय पर उन्होंने एक पूरी किताब भी लिख डाली है जिसमें उन्होंने लगभग सभी मुख्य घटनाओं की तिथि बताई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सबूत जो आपको मानने पर मजबूर कर देंगे कि रामायण काल सही में था। रामायण काल का अस्तित्व आपको पता लग जाएगा इन सबूतों को जानकर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की रोमांचित कर देने वाली कहानियों और किस्सों के लिए देखते रहिए विश्व रहस्य YouTube चैनल।